रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव पीएलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, रेलवे ग्रुप डी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2019 का एक से एक रिजल्ट एक के बाद एक आ रहा है। तो यहाँ बात करेंगे आरआरसी एसईआर साउथ ईस्ट रेलवे का, जिसमें रांची का वैकेंसी आरआरबी के द्वारा था और ये आरआरसी इसका कोलकाता में स्थित है, ईस्टर्न रेलवे के बाद दूसरा आरआरसी है। तो टोटल पास कैंडिडेटों की संख्या के यहाँ कम बुलाया गया है। वेटिंग लिस्ट आपको देखेंगे तो वेटिंग लिस्ट के हिसाब से वेटिंग लिस्ट भी इसमें आ गया है, जिसमें 140 कैंडिडेट या 128 कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में बुलाया गया है। ई कॉल लेटर में इंस्ट्रक्शन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंस्ट्रक्शन सार्वजनिक पूरी तरह से नहीं किया गया है, तो यहाँ कह सकते हैं कि कट ऑफ बढ़ा है। पीटी पास कैंडिडेट का नंबर सभी का नहीं आया है, यानी 888 कैंडिडेट अभी भी ऐसे हैं जो पीटी पास किए हैं, जिनका नाम टोटल पास कैंडिडेट मेन मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दोनों में नहीं है। तो ये भी एक कह सकते हैं कि कटअप बढ़ने का यहाँ कारण बिल्कुल साफ दिख रहा है। जो अभी कटअप ऑफिशियल नहीं आया है, जिसका बाद में इसको कटअप आएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम वेबसाइट पे चलेंगे। तो वेबसाइट है rrcacr.in, इसमें नोटिस बोर्ड में हम पढ़ेंगे। देखिए नोटिस बोर्ड का इंस्ट्रक्शन में, तो नोटिस बोर्ड में आप जाइएगा तो सबसे पहले ही दो आपका है रिजल्ट, जिसमें रिजल्ट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लिक फॉर लिस्ट और क्लिक फॉर वेटिंग लिस्ट, यानी ये मेन लिस्ट है और ये आपका वेटिंग लिस्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ग्रुप डी का। यहाँ पे देखे 2/2018 लेवल 1 पोस्ट। तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट पे यहाँ पे 124 कैंडिडेट या 128 कैंडिडेट है और यहाँ पे टोटल 2500 कैंडिडेट है। जब इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से आपका इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेन लिस्ट ही आएगा, जिसमें डेट के साथ इसमें आप देखेंगे तो आपका नहीं मिलेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट इन्होंने बोला है कि जब आप डीबी का कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे उसमें इंस्ट्रक्शन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट रहेगा। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है डेट, एक्चुअल दिया हुआ कि कितना डेट से कितना दिन तक होगा। तो 25/4/19 से लेके 13/5/19 तक ये पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसका लोकेशन आप देख सकते हैं ऑडिटोरियम साउथ है, जिसमें आप देखिए साउथ, यहाँ देखिए साउथ ईस्टर्न रेलवे एसईआर में होगा, जिसका बिसाइड सेंट्रल हॉस्पिटल 11 गार्डन रिच कोलकाता, इसका हेडक्वार्टर भी है आरआरसी कोलकाता, इसलिए यहीं पे होगा ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डेट देखिए 25/13/5। जिन कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं उनको ईमेल द्वारा सूची किया गया है, आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड करें। साथ में ये कहा गया है कि वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जितने भी डिटेल है अभी पूरी रूप से प्रोविजनल नहीं है, जब तक आपका मेडिकल और आगे की प्रोसेस नहीं पूरा होती है। उसके बाद कॉल लेटर डाउनलोड करके आप देखिए आपका रोल नंबर दिया हुआ है, इसमें से आप देख सकते हैं, और प्लस में अभी कॉल लेटर का या ई एडमिट कार्ड का लिंक अभी अवेलेबल नहीं है, ये भी हो जाएगा कुछ दिनों में। उसके बाद टोटल कैंडिडेटों की संख्या देख ले एक बार एक नज़र में, तो टोटल कैंडिडेट देखें कि मेन लिस्ट में कितने हैं, तो यहाँ पे है 2500 कैंडिडेट टोटल क्वालिफाई किए हैं मेन लिस्ट के द्वारा, यानी पहले इनको जॉब प्रायोरिटी में है। उसके बाद अगर दूसरी लिस्ट की बात करेंगे तो दूसरी लिस्ट यहाँ पे है वेटिंग लिस्ट, तो वेटिंग लिस्ट आप देख लेंगे तो यहाँ पे है लिस्ट फॉर वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इनका भी डेट दिया हुआ है 14/5 को होगा, ये सबसे पहला दिन इन्हीं का है 14/5/19 को भुवनेश्वर ऑडिटोरियम में होगा। तो वेटिंग लिस्ट के लिए इन्होंने जो डेट दिया है इसमें कुछ आप देख सकते हैं, सबसे पहले रोल नंबर लिस्टेड है जो प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट फॉर अपीयरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विच विल बी हेल्ड इन 14/5 एंड भुवनेश्वर ऑडिटोरियम। 14/5 ये कहीं ना कहीं से गलत कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा 14/5/19 हो ही नहीं सकता, अभी तो चौथे महीने है, तो 14/5/19 का इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दे रखा है और आज ही है 14/5/19, तो अभी ये डेट हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मिलेगा। तो अभी इसके लिए इस डेट को हम फिक्स नहीं करते हैं, और देखिएगा एकदम बिल्कुल तरफ से प्रोविजनल लग रहा है, कह रहा है प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट अपीयर तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विच हेल्ड ऑन 14/5/19 एंड भुवनेश्वर ऑडिटोरियम साउथ रेलवे बिसाइड
बीएनआर ऑडिटोरियम थे। बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर अभी है, ये डेट अभी आपको पूरी तरह से प्रोविजनल लग रहा है और कहीं ना कहीं मिस्टेक है, या 14/3/2019 या कुछ और हो सकता है, महीने पाँचवा महीना का गलत है। अब यहाँ पे देखिएगा टोटल कैंडिडेट का, तो मेन हमारा मकसद यही था कि यहाँ पे आप देख ले टोटल प्रोविजनल है 124, सॉरी मैं 128 बोल रहा था, 124 वेटिंग कैंडिडेट बुलाए गए हैं, इनको अभी प्रोविजनल का लाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि रेलवे ने पहले बोला था कि हम डेढ़ गुना से कैंडिडेट को लगभग बुलाएंगे अपने किस में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट में, तो वेटिंग लिस्ट का संख्या 0.5 वाला ही यहाँ भी लागू कर दिया। लेकिन हो सकता है दूसरी वेटिंग लिस्ट आएगी अगर इतनी से कैंडिडेट से पूरा नहीं हुई, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी है कि पोस्ट पूरी करनी है रेलवे को। अब चलते हैं इसकी एनालिसिस थोड़ी सी, हमने जो पहले आपसे साथ किया था कि क्या पोस्ट था, कितनी पोस्ट थी टोटल, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से 25/3 से लेके 27/3 तक हुआ था इनका पीईटी, उसमें टोटल नॉट क्वालिफाई कैंडिडेट थे 3512, ये बस हमें यही चाहिए, और नॉट क्वालिफाई 2605 थे, उसको हम छोड़ देते हैं। 3512 कैंडिडेट क्वालिफाई थे और उसमें से आप देख सकते हैं कि वैकेंसी कितनी थी, 2525 वैकेंसी थी और 3512 कैंडिडेट थे। लेकिन अभी इन्होंने बुलाया कितना है, पहले लिस्ट में 2500 को और 124 को बुलाया है वेटिंग लिस्ट में, तो टोटल कैंडिडेटों को बुलाने की संख्या हो गई 2624 और टोटल पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट हैं 3512। तो आप देख सकते हैं करीब 880 प्लस 88, 89, 90 जो भी हो, इसके बाद इतने कैंडिडेट अभी भी पीटी क्वालिफाई कर चुके हैं लेकिन उनको बुलाया नहीं गया है। तो कह सकते हैं इतने कैंडिडेट अभी भी मेल लिस्ट से बाहर हैं, तो पीटी से बाद भी कट ऑफ क्या हुई है, बढ़ी है, और कट ऑफ हो सकता है 4 नंबर हो, 8 नंबर हो, 6 नंबर हो, 2 नंबर हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन लोगों का ये कहना था कि कट ऑफ नहीं बढ़ेगा, तो देख सकते हैं यहाँ कट ऑफ बढ़ा है, और कट ऑफ बढ़ने का यहाँ पे एक ही कारण है, मैंने पहले भी बोला था कि अगर 1.5 गुना कैंडिडेट बुलाते तो सारे के सारे कैंडिडेट चले जाते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, लेकिन जॉब तो प्रायोरिटी जो ऊपर के हाई वाले होंगे उन्हीं को मिलता, लेकिन कंडीशन अभी भी वही है, लेकिन अभी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर है, बस डिफरेंस इतना ही है। तो उम्मीद है कि ऐसे करते ही जिनको लोगों के लिए सेकंड वेट लिस्ट भी आ जाए। और तो यहाँ पे आप देखेंगे 2525 वैकेंसी था आरआरसी आपका रांची, पहले आरआरबी रांची करके वैकेंसी आया था लेकिन कोलकाता के लिए था। तो 2525 वैकेंसी में थोड़ा सा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का भी क्वायरी आएगा, उसको भी इसको इंक्लूड कर लिया जाए। तो टोटल देखिए आरआरसी आरआरबी रांची में जो रिवाइज पीडब्ल्यूबीडी की वैकेंसी आई थी उसमें आप देखेंगे तो टोटल 100 पोस्ट रिजर्व हैं पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए, 25+25+25 यानी टोटल 100 पोस्ट रिजर्व हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का। और पीडब्ल्यूडी का रिजल्ट अलग से आ रहा है या इंक्लूडेड है, ये आरआरसी पे डिपेंड कर रहा है, किसी आरआरसी में इंक्लूड है, किसी में अलग से भी आ रहा है, जनरली ये अलग से आना चाहिए। और क्योंकि इनका पीटी नहीं हुआ था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद पीटी का रिजल्ट दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नॉर्मल में, तो यहाँ पे आप कैंडिडेट की संख्या देखें तो ये 2525 में से 100 आपको कम करना पड़ेगा। तो टोटल ये वैकेंसी अगर देखें तो यहाँ पर आपका 2400 में आ जाएगा, 2425 वैकेंसी नॉर्मल कैंडिडेट के लिए है। और इस हिसाब से देखेंगे तो अभी कितने कैंडिडेट पास किए हैं, तो अभी कैंडिडेट पास किए हैं 2500 मेन लिस्ट में और 124 मेन लिस्ट में, यानी 2624, तो वह 1.2 करीब 1.5 से 1.2 के बीच में कैंडिडेट को बुलाया गया है। और अभी भी उम्मीद है कि सेकंड वे लिस्ट आएगा, क्योंकि आप यहां देखेंगे पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट के लिस्ट में तो यहां पे आप टोटल देख सकते हैं कि अभी भी कैंडिडेट यहां बचे हुए हैं, उस कैंडिडेट को दोबारा मौका मिलना चाहिए। अगर पहली कंडीशन कहां से जो इन्होंने लिखा है कि इसी में आएंगे आपको रिवाइज वैकेंसी नहीं नोटिफिकेशन में आएंगे, तो नोटिफिकेशन में दो चीज़ अभी क्लियर लिखा है कि अभी भी वेटिंग लिस्ट को इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि जब आपकी खाली होगी, देख लीजिएगा, दी वेट लिस्ट कैंडिडेट कॉलेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी मे प्लीज नोट डैट मेयर कॉलिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डज नॉट ग्रांटी टू इनपैलमेंट,
इन पैनलमेंट यानी आपकी जॉब अभी गारंटी नहीं है जब तक कि पहले वाले मेरिट लिस्ट से कैंडिडेट किसी कारण से शॉर्टफॉल नहीं हो, यानी पहले वाले मेरिट लिस्ट में कोई अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल होता है, मेडिकल में फेल होता है, या कोई कारण से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जाता है, उस पोस्ट को खाली के लिए वेटिंग लिस्ट को दिया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो सेकंड वेट लिस्ट भी आएगा, लेकिन अभी वेट करना पड़ेगा, सारी प्रोसेस आपको मेडिकल के बाद ही पता चलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।